नमस्कार, आपका स्वागत है पंजाब केसरी पर और मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार झा। हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपने लोगो बदले जाने की वजह से खूब नाम कमाया है, पर आपने कभी सोचा है कि क्यों एलन मस्क ने ट्विटर का लोगो बदल कर एक्स ही रखा है? अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है और इसका जवाब नहीं पता है तो आज की खबर में हम इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे, तो आप वीडियो पर बने रहे। आपने देखा होगा कि मस्क ने जैसे ही ट्विटर का लोगो बदल उसमें कुछ बड़े बदलाव किए हैं, अब लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। अब आप किसी भी सर्च इंजन पर x.com सर्च करते हैं तो आप सीधा ट्विटर पर पहुंच जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि एलन मस्क एक्स शब्द से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहते हैं और उनका ये प्यार एक्स शब्द को लेकर नया नहीं है, पहले भी ऐसे कई कारनामे सामने आ चुके हैं। आखिर क्या है एस्क का अहम रोल, आइए जानते हैं। माना जाता है कि एलन मस्क पर एक्स अक्षर का काफ़ी प्रभाव रहा है। आपको बता दें कि 1999 में मस्क एक ऑनलाइन बैंक के कोफाउंडर के रूप में थे जिसका नाम x.com था, लेकिन बाद में इस बैंक का नाम बदलकर पेपल कर दिया, जो कि अभी दुनिया भर में काफ़ी अच्छे तरीके से जाना जाता है। इसके अलावा मस्क की रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स में भी यह अक्षर शामिल है। साथ ही मस्क की कंपनी टेस्ला के तहत लॉन्च की गई पहली SUV में भी ये नाम सबसे ऊपर आता है। एस्क से और एलन मस्क का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा चर्चों में रहता है। अब आपको बताते हैं कि ट्विटर का क्या रिश्ता है। मस्क ने ट्विटर को खरीदा, आपको बता दें कि ट्विटर को एलन मस्क ने अक्टूबर 2022 में $44 बिलियन की एक डील में खरीदा था, जिसके बाद से लगातार कंपनी ने कई बड़े बदलाव किए हैं और कई बड़े फैसले किए हैं जिनमें यूज़र और कर्मचारी दोनों पर ही बड़ा असर पड़ा है। मस्क ने अपने कमाल संभालते ही ट्विटर के कई बड़े एग्जीक्यूटिव को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस कंपनी में कई बदलाव हुए जिसमें CEO पराग अग्रवाल का भी नाम शामिल था, जिन्हें बाहर कर दिया गया। साथ ही मस्क ने दुनिया भर के कई देशों में ट्विटर के ऑफिस पर ताला लगवा दिया और कंपनी के पॉलिसी में कई बड़े बदलाव किए और लोगों की छटनी की गई, जिसके बाद से एलन मस्क हर दिन एक नया बदलाव करते रहते हैं। अब बताया जा रहा है कि WeChat की तर्ज पर ये काम होगा। आपको बता दें कि मस्क अब ट्विटर को एक नए रूप में देखना चाहते हैं। अब ये भी बताया जा रहा है कि WeChat के तर्ज पर काम शुरू कर दिया गया है। WeChat ऐप में वो सभी खासियत मिल जाती हैं जिसमें यूजर मैसेजिंग, वीडियो कॉलिंग से लेकर फ्लाइट, होटल और सभी चीज़ों की बुकिंग कर सकते हैं, और ये सभी काम एक ऐप में मिल जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले साल मस्क ने अपने कर्मचारियों को बताया था कि अब उन्हें WeChat के तहत काम करना होगा, क्योंकि WeChat सिर्फ चीन में चलता है और चीन से बाहर दुनिया में एक भी ऐसा ऐप नहीं है जो कि WeChat की तरह काम करे। और अगर ट्विटर उस कदम में आगे बढ़ता है तो ट्विटर को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। आपको बता दें कि जब से मस्क ने ट्विटर को ख़रीदा है तब से ट्विटर में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं और वो रोज़ नया बदलाव कर रहे हैं कि कैसे कंपनी का मुनाफा हो, कंपनी को फ़ायदा हो। और अभी हालिया में फेसबुक ने अपने थ्रेड ऐप को लॉन्च कर दिया है, जिससे ट्विटर को काफ़ी ज़्यादा टक्कर मिल रहा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि क्या एलन मस्क का ट्विटर से बदलाव में ट्विटर को आगे बढ़ावा मिलेगा, या ट्विटर की जो लड़ाई फेसबुक से शुरू हो गई है वो इधर ही ख़त्म हो जाएगी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते रहेंगे और भी ऐसी खबर के साथ, तो आप बने रहे पंजाब केसरी पर। धन्यवाद।